बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड क्या है, ये कैसे बनता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, यानी अलामात क्या हैं, और अगर ये बॉडी में बढ़ जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इनका इलाज क्या है। देखते हैं यूरिक एसिड क्या है। हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके नतीजे में हमारा लीवर प्यूरिन प्रोड्यूस करता है, फिर ये प्यूरिन लीवर में टूटता है और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद ये यूरिक एसिड हमारे ब्लड के जरिए किडनी में जाता है, वहां से ये यूरिन के जरिए पास आउट हो जाता है, यानी के खारिज हो जाता है, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है और हमारी बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर ऐसा ना हो और अगर हमारा लीवर बहुत ज्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस करे जो कि यूरिन के जरिए खारिज ना हो, तो ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ही रहता है और हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, जिसको हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड ठीक से काम ना करे, अल्कोहल के इस्तेमाल से, किडनी के ठीक से काम ना करने से, ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, यानी अलामात की बात करें, तो उसमें जोड़ों का दर्द, पांव के अंगूठे में दर्द और इसका सूज जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। अगर ब्लड में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारे ब्लड में बन जाते हैं, तो ये क्रिस्टल पांव के अंगूठे में जमने लग जाते हैं, यानी कि वहां पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर वहां पे इनके मुकाबले में व्हाइट ब्लड सेल इन क्रिस्टल पे अटैक करता है और इन सब की वजह से पांव में स्वेलिंग और शदीद दर्द होती है। पांव के अंगूठे में इस यूरिक एसिड क्रिस्टल का जमना और स्वेल हो जाने को हम गाउट कहते हैं, जिसके ट्रीटमेंट में हम एनसेड्स यानी के नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग यूज करते हैं, और वो ड्रग यूज करते हैं, वो मेडिसिन यूज करते हैं जो कि यूरिक एसिड की अमाउंट को कम करती है। इसके साथ साथ हमें पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, चिकनी चीजें और अल्कोहल से परहेज करना चाहिए, और एक्सरसाइज रोजाना करनी चाहिए, और जो चीजें खानी है उन चीजों में खजूर, सेब, गरमा, जैतून, बादाम और डिफरेंट जूसेस इस्तेमाल करें।